हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैप एकेडमी। सो ऑटो ट्रांसफार्मर में पिछले वीडियो में हम लोग बात किए थे कि ऑटो ट्रांसफार्मर का डेफिनेशन के बारे में बात किए थे, उसका टर्न्स रेशियो किस कैसे हम ले रहे थे उसके बारे में बात किए थे, उसके कुछ एडवांटेजेस देखे थे एज कम्पेयर टू टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। उसके बाद उसके जो केवी रेटिंग होता है और पावर इन इंडक्टिव एंड पावर इन कंडक्टिवली उसके बारे में बात किए थे। तो चलिए आज बात करेंगे रियलाइजेशन ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर बाय टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो एक टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर से हम ऑटो ट्रांसफार्मर को कैसे कन्वर्ट करेंगे और उसमें क्या क्या चेंजेस होता है। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पे एक टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर ले रहा हूँ। सो यहाँ पे ये है मेरा टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, इसका प्राइमरी वोल्टेज है मेरा V1, इसके जो प्राइमरी वोल्टेज है ये है मेरा V1, ओके। इसका सेकेंडरी वोल्टेज है मेरा V2, ओके। और सेकेंडरी में हम यहाँ पे एक लोड कनेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं एक लोड कनेक्ट कर रहा हूँ और इसका वोल्टेज है मेरा V2, ओके। और यहाँ पे I2 करंट फ्लो होगा, यहाँ पे मेरा I1 करंट फ्लो होगा, तो यहाँ पे डॉट दे रहा हूँ, यहाँ पे एक डॉट दे रहा हूँ। ठीक है, तो आपको पता होगा ट्रांसफार्मर इज ए नेगेटिवली कपल्ड सर्किट। तो इसका मतलब क्या है, अगर एक वाइंडिंग में डॉट में करंट एंटर हो रहा है, इसका मतलब सेकेंडरी साइड में डॉट से करंट क्या होगा, लीव करेगा। ठीक है, तो ये है मेरा टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। अभी हम क्या करेंगे, इस टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर को हम ऑटो ट्रांसफार्मर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इस वाइंडिंग का यहाँ पे ए एंड बी, दिस वाइंडिंग इज सी एंड डी, ओके। ये हो गया हमारा N1, ये हो गया हमारा N2, ओके। तो उसका अगर कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो आपको ऑटो ट्रांसफार्मर में क्या है, मेरा एक ही वाइंडिंग होता है ऑटो ट्रांसफार्मर में। तो मैं यहाँ पे नंबर 1, दैट इज माई ए एंड बी वाइंडिंग, ये हो गया हमारा सी एंड डी वाइंडिंग। ठीक है, तो इसको हम नेमिंग कर रहे हैं ए बी, ये हो गया हमारा सी एंड डी, ओके। तो यहाँ पे देखिए, तो प्राइमरी में क्या होगा, तो करंट यहाँ पे एंटर करेगा, सेकेंडरी में यहाँ पे भी डॉट है सी में, तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं यहाँ पे इसका कनेक्ट करूँगा, ये हो गया मेरा हाई वोल्टेज साइड, ये हो गया मेरा हाई वोल्टेज साइड, दैट इज माई VH, ओके, दिस इज माई हाई वोल्टेज साइड, ओके। और यहाँ पे जो करंट फ्लो होगा, लेट इट बी IH, ओके। तो इसके बाद क्या करेंगे, अभी हम ये बी एंड सी टर्मिनल को शॉर्ट कर देंगे। ठीक है, बी एंड सी टर्मिनल को भी शॉर्ट कर देंगे। और अभी लोड कहाँ पे कनेक्ट होगा, तो मैं यहाँ पे लोड कनेक्ट कर रहा हूँ सी एंड डी टर्मिनल के एक्रॉस में, अभी यहाँ पे मैं लोड कनेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, लेट इट बी VL, ओके। और यहाँ पे जो करंट फ्लो होगा, दैट इज माई IL, ओके। तो यहाँ पे देखिए सेम, यहाँ पे डॉट में करंट एंटर हो रहा है, ठीक है, और यहाँ से क्या होगा, करंट लीव कर रहा है सेकेंडरी में, तो यहाँ पे हो गया मेरा ऑटो ट्रांसफार्मर, ओके। उसके बाद देखेंगे, अगर यहाँ पे मेरा IL करंट फ्लो हो रहा है, तो इसका मतलब सी एंड डी टर्मिनल में कितना करंट फ्लो होगा, इसका डायरेक्शन होगा ऐसा, तो यहाँ पे IL माइनस IH करंट फ्लो होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या कितना करंट फ्लो होगा सी एंड डी एक्रॉस में, IL माइनस IH, ओके। यहाँ पे जाएगा हमारा IH करंट, ओके। तो ये जो ऑटो ट्रांसफार्मर है, इसका अभी टर्न्स रेशियो कैसा होगा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा व्हाट इज द टर्न्स रेशियो, दैट इज ए ऑटो इज इक्वल टू NH बाय NL, ओके, एंड दैट इज इक्वल टू VH बाय VL, ओके। तो ये हो गया हमारा NH हाई वोल्टेज टर्मिनल, और यहाँ पे आएगा हमारा NL,
एन एल, ओके यहाँ पे आएगा मेरा एन एल, ओके। तो यहाँ पे एन एच का वैल्यू क्या है मेरा, व्हाट इज माई एन एच वैल्यू, एन एच अगर टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर से हम कंपेयर करेंगे तो एन एच इज इक्वल टू हम लिखेंगे एन वन प्लस एन टू, एन वन प्लस एन टू, एंड व्हाट इज माई एन एल वैल्यू, एन एल इज इक्वल टू एन टू, ओके। अगर ये जो मेरा वाइंडिंग है और इसका टर्न्स को अगर हम टू वाइंडिंग से कंपेयर करेंगे तो एन एच हाई वोल्टेज साइड का मेरा टर्न्स रेशियो है दैट इज इक्वल टू एन वन प्लस एल टू एन टू इन टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर, एंड एन एल इज इक्वल टू एन टू इन टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर, ओके। उसके बाद देखेंगे करेंट को कंपेयर करेंगे तो व्हाट इज करेंट वैल्यू, आई इज इक्वल टू आई एच, ओके आई एच, आई एच इज इक्वल टू कितना होगा यहाँ पे, मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकता हूँ आई एल, ओके। एंड व्हाट इज माइन आई एल माइनस आई एच, ये हो जाएगा मेरा आई एल माइनस आई एच, ये हो जाएगा मेरा आई टू। जो आई टू यहाँ पे जो आई टू करंट फ्लो हो रहा है सेकेंडरी वाइंडिंग में, तो यहाँ पे सी डी वाइंडिंग में आई टू करंट फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे देखिए ये जो यहाँ पे है मेरा ऑटो ट्रांसफार्मर पे, ये है मेरा सी डी वाइंडिंग, तो सी डी वाइंडिंग में कितना करंट फ्लो हो रहा है, आई एल माइनस आई एच। सो इसको अगर कंपेयर करेंगे तो आई एल माइनस आई एच इज इक्वल टू आई टू, ओके। तो उसके बाद देखेंगे व्हाट इज माई टोटल पावर, व्हाट इज माई टोटल टोटल पावर, तो क्या होगा व्हाट इज टोटल पावर, दैट इज माई वी एल इंटू आई एल, वी एल इंटू आई एल, ओके। तो ये ऑटो ट्रांसफॉर्मर में व्हाट इज माई आई एल वैल्यू, व्हाट इज माई आई एल वैल्यू, आई एल इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं आई एल माइनस आई एच प्लस, यहाँ पे कितना करंट आ रहा है आई एच, ओके। अगर इस यहाँ पे अगर मैं केसीएल अप्लाई करूँगा इस पॉइंट में तो आई एल इज इक्वल टू आई एल माइनस आई एच इंटू आई एच, तो इसको हम लिख सकते हैं वी एल इंटू आई एल माइनस आई एच प्लस वी एल आई एच, ओके। तो अभी देखिए ये वी एल इंटू आई एल माइनस आई एच ये क्या है, दिस इज माई इंडक्टिवली पावर, इंडक्टिव इंडक्टिवली के भी और पावर, ओके। और वी एल इंटू आई एच ये क्या है मेरा, कंडक्टिवली कंडक्टिव के भी और पावर, जो भी आप लिख सकते हैं। तो वी एल आई एल माइनस आई एच इज इक्वल टू इंडक्टिव पावर और इंडक्टिव के भी है, और वी एल इंटू आई एच इज इक्वल टू कंडक्टिव के भी। तो यहाँ पे देखिए अगर मेरे को यहाँ पे इंडक्टिव के भी मालूम होगा, ठीक है, मेरे को यहाँ पे इंडक्टिव के भी मालूम होगा, तो ये इंडक्टिव के भी जो है यहाँ पे, ये इंडक्टिव के भी हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, दैट इज माई वी एल। तो यहाँ पे सेकेंडरी में ये जो वोल्टेज है मेरा लोड के अक्रॉस में वोल्टेज है, और ये जो वाइंडिंग है इस वाइंडिंग के अक्रॉस का करंट है ये, इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा मेरा इंडक्टिव के भी है, ओके। और इंडक्टिव के भी है को अगर मैं टोटल के भी है से ऑटो ट्रांसफार्मर का, ये है मेरा टोटल के भी है इन ऑटो ट्रांसफार्मर, के भी है ऑटो हम लिख सकते हैं, दिस इज के भी है ऑटो, ठीक है। अगर टोटल के भी है से इंडक्टिव के भी में माइनस कर दूंगा तो क्या होगा मेरा कंडक्टिव के भी मिल जाएगा। यहाँ पे फॉर्मूला याद करने का कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव के भी निकालो, उसके बाद टोटल पावर और टोटल के भी इन ऑटो ट्रांसफार्मर निकालो, वहाँ से इसको माइनस कर दो तो आपको कंडक्टिव के भी यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। तो ये था कुछ बेसिक, उसके बाद देखेंगे इसका कनेक्शन और टू वाइंडिंग में कैसे कैसे क्या क्या, अगर टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर को हम ऑटो ट्रांसफार्मर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या क्या वहाँ पर चेंजेस होगा, ठीक है। तो चलिए उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो यहाँ पे मैं सेम यहाँ पे ट्रांसफार्मर ले रहा हूँ, टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, और उसका एक रेटिंग ले रहा हूँ, ठीक है। तो जो टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है
लेट ये जो टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है मेरा, तो इसका रेटिंग है मेरा 20 KVA। ओके, तो 20 KVA, लेट इट बी 20 KVA, ठीक है। तो ये हो गया मेरा ए एंड बी एंड सी एंड डी, तो ये है मेरा 20 KVA ट्रांसफार्मर। ओके, प्राइमरी में जो वोल्टेज है मेरा, लेट इट बी 2000 वोल्ट, 2000 वोल्ट, एंड सेकेंडरी में जो वोल्टेज है इसको मैं ले रहा हूँ कितना ना 200 वोल्ट। यहाँ पे जो वोल्टेज आएगा इसको मैं ले रहा हूँ 200 वोल्ट, 200 वोल्ट, ठीक है। तो 20 KVA 2000 वोल्ट बाय 200 वोल्ट ट्रांसफार्मर। ओके, टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे मेरा, तो यहाँ पे मेरा I1 एंड I2 वैल्यू कितना होगा, तो I1 इज इक्वल टू कितना होगा, I1 इज इक्वल टू 20 × 10³ डिवाइडेड बाय 2000, दैट इज माई 10 एम्पियर। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ I1 इज इक्वल टू 10 एम्पियर। ओके, एंड व्हाट इज माई I2 वैल्यू, I2 इज इक्वल टू सेम 20 × 10³ डिवाइडेड बाई 200, दैट इज इक्वल टू 100 एम्पियर। तो यहाँ पे आएगा हमारा 100 एम्पियर। ओके, तो ये हो गया हमारा रेटेड करंट, ठीक है। तो रेटेड वोल्टेज प्राइमरी और सेकेंडरी में 2000 वोल्ट, 200 वोल्ट, रेटेड करंट यहाँ पे मिल गया 10 एम्पियर एंड 100 एम्पियर। तो चलिए इसको अभी हम टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर को अभी ऑटो ट्रांसफार्मर में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, तो पहला है मेरा नंबर वन, हम लिख सकते हैं नंबर वन है मेरा एडिटिव पोलैरिटी, एडिटिव पोलैरिटी। तो यहाँ पे मेरे को चार तरह का कनेक्शन यहाँ पे आएगा। एडिटिव पोलैरिटी में 2 कनेक्शन आएगा एंड सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी में 2 कनेक्शन आएगा। तो पहला है मेरा एडिटिव पोलैरिटी, दैट इज योर केस वन। ओके, एडिटिव पोलैरिटी में केस वन। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो सेम मेरा, इसको भी कन्वर्ट करेंगे, टू वाइंडिंग को हम कन्वर्ट करेंगे ऑटो ट्रांसफार्मर में, ठीक है। तो ये हो गया मेरा ए बी, दिस टर्मिनल इज माई ए बी वाइंडिंग, ये है मेरा सी डी वाइंडिंग। ओके, तो यहाँ पे देखिए डॉट में करंट एंटर कर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ से करंट एंटर करेगा, तो यहाँ से करंट क्या करेगा, लीव करेगा, ठीक है। तो ये जो ए बी जो वोल्ट वाइंडिंग है उसके एक्रॉस में कितना वोल्टेज है, ये है मेरा 2000 वोल्ट। ओके, सी डी जो है, सी डी उसके एक्रॉस में कितना वोल्टेज है मेरा, 200 वोल्ट। तो यहाँ पे टोटल वोल्टेज कितना आएगा, 2200। ओके, 2200 वोल्ट आएगा, ठीक है। तो उसके बाद अभी देखिए, अभी हम क्या कर रहे हैं, सी डी टर्मिनल जो है, ये जो सी डी है उसके एक्रॉस में मैं अभी लोड कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, लोड कनेक्ट कर रहा हूँ सी डी के एक्रॉस में। ओके, दिस इज माई सी डी। तो यहाँ पे कितना वोल्टेज आएगा हमारा, दैट इज माई 200 वोल्ट, सेम 200 वोल्टेज आएगा। ओके, तो यहाँ पे कितना करंट आ रहा है, यहाँ पे दैट इज माई 10 एम्पियर। ओके, 10 एम्पियर। ओके, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 10 एम्पियर आ रहा है सी डी में, सी डी में करंट कितना है, 100 एम्पियर। तो यहाँ पे मेरा 100 एम्पियर करंट फ्लो होगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे 100 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, तो अगर इस पॉइंट में मैं KCL अप्लाई करूँगा इस नोड में,
तो मेरा यहाँ पे IL करंट कितना हो जाएगा, 110 एम्पियर। तो ये हो गया मेरा एडिटिव पोलैरिटी। तो 200 प्लस 200 इसमें वोल्टेज आ रहा है मैं 2200 वोल्ट, ठीक है। ओके तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे मेरा 110 एम्पियर आ रहा है। तो अगर यहाँ पे मैं केवीए रेटिंग यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो व्हाट इज द केवीए रेटिंग इन ऑटो ट्रांसफॉर्मर कितना होगा, दैट इज इक्वल टू VL इंटू IL, दैट इज 200 वोल्ट इंटू 100 एम्पियर, सॉरी दैट इज मैं 110 एम्पियर। तो ये हो गया मेरा 22 केवीए, ओके 200 इंटू 110 एम्पियर, दैट इज मैं 22 केवीए, ओके। उसके बाद व्हाट इज माई केवीए इन इंडक्टिव, इंडक्टिवली केवीए इन इंडक्टिवली, तो केवीए इंडक्टिवली हम यहाँ पे कैसे निकालेंगे इंडक्टिवली केवीए, तो इसका मतलब है मेरा द पावर अक्रॉस CD, ओके पावर अक्रॉस CD वाइंडिंग। और केवीए इंडक्टिवली आपको यहाँ पे निकालना है तो क्या करेंगे, पावर अक्रॉस CD वाइंडिंग, व्हाट इज द पावर अक्रॉस CD वाइंडिंग, दैट इज योर 200 वोल्ट इंटू 100 एम्पियर, दैट इज इक्वल टू 20 केवीए, दैट इज इक्वल टू 20 केवीए, ओके। तो ये हो गया हमारा 20 केवीए। देन व्हाट इज द केवीए कंडक्टिव, तो यहाँ पे केवीए कंडक्टिव निकालेंगे, केवीए कंडक्टिव दैट इज इक्वल टू टोटल केवीए, दैट इज 22 केवीए माइनस 20 केवीए, दैट इज इक्वल टू 2 केवीए, ओके 2 केवीए। तो यहाँ पे आ गया हमारा 2 केवीए हमारा कंडक्टिवली केवीए। उसके बाद देखेंगे व्हाट इज द टर्न्स रेशियो, टर्न्स रेशियो, तो यहाँ पे टर्न्स रेशियो कितना होगा, टर्न्स रेशियो ऑटो दैट इज इक्वल टू NH/NL, यहाँ पे हम कैलकुलेट किए हैं, दैट इज इक्वल टू NH/NL और VH/VL। व्हाट इज VH वैल्यू, दैट इज इक्वल टू 2200/ व्हाट इज 200, ओके दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 11, ओके तो यहाँ पे मेरा टर्न्स रेशियो आ गया यहाँ पे 11, ठीक है दैट इज योर 11। तो यहाँ पे हो गया केस वन, दैट इज एडिटिव पोलैरिटी में ये हो गया मेरा केस वन। तो केस वन में एडिटिव पोलैरिटी में मेरा जो ऑटो ऑटो केवीए, जो केवीए रेटिंग ऑफ ऑटो ट्रांसफॉर्मर इज 22 केवीए, यहाँ पे गिवेन था मेरा 20 केवीए, ठीक है टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर में 20 केवीए था, तो यहाँ पे टर्न्स रेशियो 11 आ रहा है और इसका जो केवीए रेटिंग है ऑटो ट्रांसफॉर्मर का वो आ रहा है मेरा 20 केवीए, ठीक है। उसके बाद केस टू डिस्कशन करेंगे, व्हाट इज माई केस टू, तो सीरीज पोलैरिटी में केस टू है मेरा, दैट इज माई केस टू, यहाँ पे मैं केस टू ले रहा हूँ, केस टू, ओके। तो केस टू में हम क्या करेंगे, अभी सेम यहाँ पे ठीक है, अभी हम जो लोड है AB टर्मिनल में अभी कनेक्ट करेंगे, दिस इज माई B, दिस इज माई C, दिस इज माई D, ओके। तो यहाँ से अभी हम लोड कनेक्ट करेंगे, यहाँ से अभी लोड कनेक्ट करेंगे, दिस इज माई V2, दैट इज 2000 वोल्ट, ओके 2000 वोल्ट, क्लियर, ओके। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे जो करंट है मेरा, ओके
करंट जो है यहाँ पे, ये करंट आई एच करंट अभी कितना होगा, आई एच करंट अभी कितना होगा, क्योंकि पहले जो केस वन में वहाँ पे ए बी टर्मिनल में मेरा आई एच करंट फ्लो हो रहा था, तो डायरेक्टली हम लिख रहे थे 10 एम्पियर, लेकिन यहाँ पे आई एच करंट यहाँ पे ए बी टर्मिनल में लोड कनेक्ट है, तो डायरेक्टली हम नहीं लिख सकते हैं, दिस इज माई आई एच, तो यहाँ पे मैं इसको आई एच ले रहा हूँ, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आई एच है तो यहाँ पे क्या होगा, आई एच करंट फ्लो होगा। ओके, तो सी डी टर्मिनल में कितना करंट फ्लो हो रहा है मेरा, 100 एम्पियर, तो यहाँ पे सी डी टर्मिनल में मेरा 100 एम्पियर करंट फ्लो होगा, दैट मीन्स ये हो जाएगा मेरा 100 एम्पियर, ओके, और उसके बाद ये हो जाएगा मेरा 100 एम्पियर, तो आई एच मतलब यहाँ पे 100 एम्पियर आ गया। तो उसके बाद देखेंगे ए बी टर्मिनल में कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो ए बी टर्मिनल का जो करंट है इसका डायरेक्शन होगा यहाँ पे, दैट इज माई 10 एम्पियर, दैट इज माई 10 एम्पियर, ओके। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे 10 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे कितना करंट फ्लो होगा, दैट इज माई 110 एम्पियर, 110 एम्पियर करंट फ्लो होगा, कहाँ पे, जो लोड के एक्रॉस में कितना करंट फ्लो होगा, 110 एम्पियर, क्लियर। अगर यहाँ पे हम केसीएल अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 10 एम्पियर करंट जा रहा है, यहाँ से 100 एम्पियर करंट आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे मेरा 110 एम्पियर करंट फ्लो होगा, ठीक है। तो उसके बाद देखेंगे व्हाट इज द केवीए रेटिंग इन ऑटो ट्रांसफार्मर, ये जो कनेक्शन है ऑटो ट्रांसफार्मर का, इसमें केवीए रेटिंग कितना आएगा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा केवीए ऑटो दैट इज इक्वल टू वी एल इंटू आई एल, व्हाट इज वी एल वैल्यू, दैट इज 2000 इंटू 1110 दैट इज इक्वल टू 220 केवीए, इसका रेटिंग आएगा 220 केवीए, ओके। देन यहाँ पे देखिए उसके बाद हम निकालेंगे केवीए इंडक्टिवली केवीए, तो इंडक्टिवली केवीए निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जहाँ पे मेरा लोड कनेक्ट है उसके वाइंडिंग के एक्रॉस में कितना मेरा पावर है, तो दैट मीन्स कैलकुलेट द पावर अक्रॉस ए बी टर्मिनल के अक्रॉस में कितना पावर है, दैट मीन्स हम बोलेंगे 2000 ओके इंटू 10 एम्पियर, 2000 यहाँ पे वोल्टेज कितना है मेरा 2000, देन 10 कितना आ जाएगा मेरा यहाँ पे 20 केवीए, ओके। अगर इंडक्टिवली केवीए आ गया यहाँ पे 20, देन व्हाट इज माय केवीए रेटिंग कंडक्टिवली पावर कितना होगा, दैट इज इक्वल टू टोटल पावर 220 केवीए माइनस 20 केवीए, दैट इज इक्वल टू 200 केवीए, ओके। तो यहाँ पे कंडक्टिवली पावर आ गया हमारा 20 केवीए। तो यहाँ पे अभी कैलकुलेट करेंगे व्हाट इज द टर्न्स रेशियो इन दिस कनेक्शन, ये कनेक्शन में टर्न्स रेशियो क्या है, तो ए ऑटो कितना होगा, व्हाट इज माई वी एच वैल्यू, दैट इज इक्वल टू 2200 डिवाइडेड बाई व्हाट इज माई वी एल वैल्यू, दैट इज इक्वल टू 2000, तो ये आ गया हमारा 1.1। तो यहाँ पे मेरा ऑटो ट्रांसफार्मर का ये जो कनेक्शन है, इस कनेक्शन का जो टर्न्स रेशियो ये आ रहा हमारा 1.1, ओके 1.1। तो ये हो गया हमारा एडिटिव पोलैरिटी में दो कनेक्शन, पहला कनेक्शन जहाँ लोड में हम सीडी टर्मिनल में कनेक्ट किए थे, दूसरा कनेक्शन है मेरा ए बी टर्मिनल में अभी लोड कनेक्ट किए हैं। तो देखिए दोनों कनेक्शन को अगर कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं वहाँ पे मेरा जो टर्न्स रेशियो था वो मेरा 1 से ज़्यादा था, ओके बहुत ज़्यादा था, तो वहाँ पे जो मेरा केवीए रेटिंग आ रहा था दैट इज माई 22 केवीए, तो स्लाइटली 20 केवीए से 2 एंडिंग केवीए
यहाँ पे था 20 kVA, स्लाइटली मेरा इंक्रीज हो रहा है कि क्या वहाँ पे नंबर वन केस वन में 22 kVA आ रहा था। तो यहाँ पे देखिए ऑटो ट्रांस टू एंडिंग ट्रांसफार्मर का 20 kVA था, लेकिन उस कनेक्शन में क्या था 22 kVA आ रहा था। तो kVA रेटिंग मेरा स्लाइटली इंक्रीज हो रहा है, लेकिन ये कनेक्शन जो है केस टू कनेक्शन, वहाँ पे मेरा जो ऑटो ट्रांसफार्मर का टर्न्स रेशियो दैट इज नियरली इक्वल टू 1.1 दैट इज नियरली इक्वल टू 1। वहाँ पे देखिए कितना मेरा इंक्रीज हो रहा है kVA रेटिंग, 220 kVA, टू एंडिंग में 20 kVA था, लेकिन यहाँ पे 220 kVA आ रहा है। तो kVA रेटिंग यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे अगर आप बात करेंगे कॉपर लॉस, मैं यहाँ पे टू एंडिंग और जो मेरा ऑटो ट्रांसफार्मर है ये दोनों का कॉपर लॉस मैं यहाँ पे सेम ले रहा हूँ, ठीक है। कॉपर लॉस में कोई चेंजेस मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, उसको हम बाद में देखेंगे कैसे हम कॉपर सेविंग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कॉपर लॉस में लॉसेज मेरा सेविंग सेम है, सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है kVA रेटिंग मेरा इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखेंगे सब्सट्रैक्टिव पोलैरिटी। ओके, तो सब्सट्रैक्टिव पोलैरिटी में भी हम दो कनेक्शन देखेंगे यहाँ पे। तो पहला कनेक्शन है मेरा सब्सट्रैक्टिव पोलैरिटी केस वन। ओके, नंबर टू इज माय सब्सट्रैक्टिव पोलैरिटी, सब्सट्रैक्टिव पोलैरिटी। तो सब्सट्रैक्टिव पोलैरिटी में केस वन। ओके, तो केस वन में क्या कनेक्शन आएगा मेरा, देखिए। तो सेम अभी मैं यहाँ पे जो वाइंडिंग ले रहा हूँ दैट इज माई ए बी वाइंडिंग, अभी क्या करेंगे सब्सट्रैक्टिव पोलैरिटी है मेरा, तो अभी वाइंडिंग जो सेकेंडरी वाइंडिंग को थोड़ा हम चेंज कर रहे हैं, दैट इज माई यहाँ पे आ रहा है ए बी, ये आ रहा है मेरा डी एंड सी। ओके, डी एंड सी, तो इसका मतलब ए बी में जो वोल्टेज आएगा दैट इज आएगा 2000 वोल्ट, और डी सी ले रहा हूँ दैट इज यहाँ पे माइनस प्लस आ जाएगा, ये हो गया हमारा 200 वोल्ट। अगर सब्सट्रैक्टिव पोलैरिटी है मतलब इन दोनों का सब्सट्रैक्शन अभी यहाँ पे आएगा, टोटल वोल्टेज जो आएगा यहाँ पे दैट इज 2000 / 200 दैट इज 1800 वोल्ट आएगा यहाँ पे प्राइमरी में, क्लियर। दिस इज माई सब्सट्रैक्टिव पोलैरिटी। ओके, अभी यह क्या करेंगे, अभी हम लोड कनेक्ट करेंगे। तो लोड यहाँ पे इस टर्मिनल में पहले हम लोड कनेक्ट कर रहे हैं, डी सी टर्मिनल में हम पहले लोड कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज माई 200 वोल्ट। ओके, तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे मेरा आई एच का वैल्यू कितना होगा, दैट इज माई डायरेक्ट 10 एम्पियर में लिख सकता हूँ, 10 एम्पियर, ए बी टर्मिनल में मेरा 10 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। ओके, देन व्हाट इज माई करेंट अक्रॉस सी डी टर्मिनल, दैट इज 100 एम्पियर। ओके, दैट इज माई 100 एम्पियर। अगर यहाँ पे 100 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है तो यहाँ पे सी डी टर्मिनल में जब यहाँ पे लोड के अक्रॉस में कितना करंट आएगा, दैट इज माई यहाँ पे जाएगा कितना 10 एम्पियर, तो ये हो जाएगा हमारा 90 एम्पियर। ओके, अगर इसमें हम KCL अप्लाई करेंगे इस टर्मिनल से तो क्या हो जाएगा, दैट इज 90 एम्पियर, ये 10 एम्पियर, तो यहाँ से आ रहा है टोटल 100 एम्पियर, यहाँ पे जाएगा 10 एम्पियर और इस टर्मिनल में जाएगा हमारा 90 एम्पियर। ओके, अगर तो ये हो गया हमारा सब्सट्रैक्टिव पोलैरिटी में मेरा केस वन। अगली देखेंगे व्हाट इज माई kVA ऑटो। ओके, अभी इसका kVA कितना कैलकुलेट करेंगे, तो kVA कितना आएगा VL into IL, व्हाट इज माई VL 200 वोल्ट into व्हाट इज माई करेंट यहाँ पे 90 एम्पियर। ओके, दैट इज माई 90 एम्पियर, दैट इज इक्वल टू 18 kVA। ओके, 18 kVA। तो यहाँ पे देखिए मेरा जो टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है उसका kVA है मेरा 20 kVA। ओके, लेकिन इसको अगर मैं इस सीरीज सब्सट्रैक्टिव में इस कनेक्शन को कन्वर्ट करूँगा ऑटो ट्रांसफार्मर में, तो इसका kVA आ रहा है मेरा
18 के वी दैट इज लेस देन द 20 के वी है, 20 के वी से एक मेरा लेस है, तो इसका मतलब दिस कनेक्शन इज नॉट फिजिबल, ये कनेक्शन मेरा फिजिबल फिजिकली पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे मेरा ऑटो ट्रांसफॉर्मर में के वी रेटिंग कम आ रहा है, क्लियर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस कनेक्शन इज नॉट फिजिबल, दिस कनेक्शन इज नॉट फिजिबल, ओके। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, के वी ए इंडक्टिव, तो इंडक्टिव के वी ए हम कैलकुलेट करेंगे, कैसा कैलकुलेट करेंगे, तो इसको हम बोलेंगे पावर अक्रॉस सी डी टर्मिनल कितना आएगा, दैट इज इक्वल टू कितना आएगा, व्हाट इज पावर 200 इंटू 100 दैट इज इक्वल टू 20 KVA। तो इसका मतलब क्या होगा, व्हाट इज माई के वी ए कंडक्टिव कितना आएगा, दैट इज इक्वल टू व्हाट इज टोटल 18 के वी ए माइनस आएगा यहाँ पे 20 के वी ए दैट इज इक्वल टू माइनस 2 KVA आएगा, माइनस 2 KVA, क्लियर। तो यहाँ पे सीरीज सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी में जो कंडक्टिव के भी आ रहा है हमारा माइनस 2 KVA आ रहा है। तो उसके बाद हम देखेंगे व्हाट इज द टर्न्स रेशियो ऑटो ट्रांसफॉर्मर का, यहाँ पे टर्न्स रेशियो कितना होगा, दैट इज 1800 डिवाइडेड बाय 200। तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 9 आएगा। तो यहाँ पे देखिए ऑटो ट्रांसफॉर्मर यहाँ पे जो टर्न्स रेशियो है यहाँ पे मेरा 9 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे जो ऑटो का जो के भी आ रहा है ऑटो ट्रांसफॉर्मर का वो मेरा 2 वाइंडिंग से कम आ रहा है। सो दिस कनेक्शन इज, यहाँ पे याद रखिए, दिस कनेक्शन इज नॉट फिजिबल और फिजिकली दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा केस 1। तो केस 2 में हम सेम करेंगे क्या, केस 2 में अभी जो लोड है अभी हम ए बी टर्मिनल में कनेक्ट करेंगे, जो मेरा लोड है केस 2 में सेम अभी ए बी टर्मिनल में हम कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे लोड जो है उसको हम शिफ्ट करेंगे कहाँ पे, ए बी टर्मिनल में, ओके। तो यहाँ से अभी मेरा लोड कनेक्शन होगा, दिस इज माई लोड, तो इसके वोल्टेज कितना आएगा, 2000 वोल्ट, ओके 2000 वोल्ट। तो सेम यहाँ पे कितना करंट आएगा मेरा, अगर यहाँ पे मेरा 100 करंट आ रहा है तो यहाँ पे कितना आएगा, IH दैट इज इक्वल टू 100 एम्पियर, ओके। तो यहाँ पे आएगा कितना, 100 एम्पियर, लेकिन ए बी टर्मिनल में कितना करंट फ्लो होगा, ए बी टर्मिनल में मेरा 10 एम्पियर करंट फ्लो होगा। ठीक है, अगर ए बी टर्मिनल में 10 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है तो यहाँ पे कितना करंट आएगा मेरा, 90 एम्पियर, यहाँ पे मेरा 90 एम्पियर करंट फ्लो होगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे 90 एम्पियर करंट फ्लो होगा तो क्या होगा, व्हाट इज माई के वी ए ऑटो दैट इज इक्वल टू वी एल इंटू आई एल 2000 इंटू 90 कितना आएगा, यहाँ पे 2000 इंटू 90 कितना होगा, दैट इज इक्वल टू 180 KVA, ओके। देन व्हाट इज माई के वी ए इंडक्टिव, व्हाट इज माई के वी ए इंडक्टिव दैट इज इक्वल टू कितना होगा, ए बी टर्मिनल में दैट इज पावर अक्रॉस ए बी टर्मिनल कितना होगा, दैट इज माई 2000 इंटू 10 एम्पियर दैट इज इक्वल टू 20 KVA, ओके दैट इज इक्वल टू 20 KVA। देन व्हाट इज माई के वी ए कंडक्टिव कितना होगा, के वी ए कंडक्टिव इज इक्वल टू कितना आएगा, के वी ए ऑटो दैट इज 180 KVA
माइनस मेरा आएगा 20 के वी ए, दैट इज इक्वल टू 160 के वी ए। ओके, तो ये कनेक्शन मेरा फिजिबल है यहाँ पे फिजिबल है, क्योंकि मेरा जो के वी ऑटो का आ रहा है 20 के वी से बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो ये कनेक्शन मेरा सब्सट्रैक्टिव पोलैरिटी में ये कनेक्शन यहाँ पे फिजिबल कनेक्शन है। ठीक है, तो उसके बाद हम देखेंगे व्हाट इज माई टर्न्स रेशियो, ऑटो ट्रांसफार्मर का टर्न्स रेशियो कितना होगा, ऑटो ट्रांसफार्मर का टर्न्स रेशियो दैट इज 1800 डिवाइडेड बाय 2000। ओके, तो यह आ जाएगा 0.9। तो यहाँ पे ये आ गया मेरा 0.9। ठीक है, तो अभी देखिए हम सीरीज सब्सट्रैक्ट सॉरी एडिटिव पोलैरिटी में दो कनेक्शन यहाँ पे हम डिस्कशन किए हैं, उसके बाद सब्सट्रैक्टिव पोलैरिटी में दो कनेक्शन डिस्कशन किए हैं। तो चलिए अभी हम कंक्लूजन देखेंगे, तो यहाँ पे क्या कंक्लूजन अभी मेरे को मिला है। ठीक है, तो अभी देखिए, तो अगर कंक्लूजन हम देखेंगे तो क्या करेंगे, तो लेट ए ऑटो, अभी हम टर्न्स रेशियो को कंपेयर करेंगे के वी ए ऑटो से। ओके, तो पहला मेरा के वी ए था मेरा 11। ओके, 11 के वी ए था, तो 11 सॉरी मेरा जो टर्न्स रेशियो था वो मेरा 11 था, तो यहाँ पे कितना आ रहा था मेरा के वी ए, दैट इज इक्वल टू 22 के वी ए, 22 के वी ए मेरा आ रहा था। उसके बाद सेकेंड जो कनेक्शन था वहाँ पे था मेरा 1.1। ओके, 1.1 उसमें कितना के वी आ रहा था, दैट इज इक्वल टू 220 के वी ए। ओके, नेक्स्ट सीरीज सब्सट्रैक्टिव में पहला आ रहा था मेरा जो के वी ए था वो मेरा आ रहा था 9। ओके, 9 आ रहा था, तो उसका के वी ए था जो था मेरा कितना आ रहा था, दैट इज 18 के वी ए। उसके बाद जो यहाँ पे सेकेंड कनेक्शन था उसका जो था मेरा टर्न्स रेशियो 0.9, उसका के वी आ रहा है मेरा 180 के वी ए। तो अगर इसको हम कंपेयर करेंगे तो क्या यहाँ पे कंक्लूजन निकल रहा है, यहाँ पे क्या कंक्लूजन निकल रहा है, अगर आपको ऑटो ट्रांसफार्मर में यहाँ पे हाईएस्ट के वी ए कहाँ पे मिल रहा है, 220। ओके, 220 के वी ए और 180, तो इसका मतलब इफ, तो यहाँ पे क्या कंक्लूजन निकल रहा है, इफ मैं यहाँ पे लिखूंगा नंबर वन, इफ द टर्न्स रेशियो, द टर्न्स रेशियो इज नियर टू वन और क्लोज टू वन, देन वी गेट मैक्सिमम के वी ए इन ऑटो ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर, इसको आप नोट कर सकते हो, दिस इज द कंक्लूजन। क्या अगर मेरा जो ऑटो ट्रांसफार्मर का जो टर्न्स रेशियो है अगर वो मेरा नियरली इक्वल टू वन हो रहा है, देन वी गेट मैक्सिमम के वी ए। क्लियर, उसके बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट है और क्या कंक्लूजन यहाँ पे निकल रहा है, नंबर टू बात करेंगे, इफ द कॉपर लॉस इज केप्ट कॉन्स्टांट। ओके, टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर और ऑटो ट्रांसफार्मर में मैं यहाँ पे कॉपर लॉसेस केप्ट मेरा कॉन्स्टांट ले रहा हूँ, देन क्या होगा, द केवीए रेटिंग इज इंक्रीजेस, केवीए रेटिंग क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, नंबर वन, नंबर टू हेला कप लॉसेस इज नॉट चेंजेस, लॉसेस इज नॉट चेंजेस, लॉस का कुछ भी चेंजेस नहीं आएगा, नंबर थ्री इज माई एफिशियंसी विल चेंज। तो यहाँ पे एफिशियंसी मेरा ऑटो ट्रांसफार्मर में चेंज हो जाएगा, किस कैसे होगा, अगर एफिशियंसी का हम बात करें तो एफिशियंसी क्या है मेरा, आउटपुट पावर और आउटपुट के वी ए, हम डायरेक्टली लिखेंगे आउटपुट के वी ए इंटू पावर फैक्टर, ओके, डिवाइडेड बाय के वी आउटपुट के वी ए, सेम यहाँ पे आउटपुट के वी ए
तो इनपुट के भी हम लिख सकते हैं आउटपुट के भी इनटू पावर फैक्टर प्लस लॉसेस। ये लॉसेस मेरा कांस्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे लॉसेस मेरा कपल लॉसेस कांस्टेंट है, मतलब यहाँ पे लॉसेस मेरा कांस्टेंट है, लेकिन जो के भी रेटिंग है यहाँ पे, अगर मैं टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर और ऑटो ट्रांसफार्मर का कंपेयर करेंगे तो के भी जो है वो चेंजेस हो रहा है। अगर के भी रेटिंग मेरा चेंजेस हो रहा है तो इसका मतलब मेरा एफिशियंसी भी चेंजेस होगा, ठीक है। तो इतना मेरा यहाँ पे कंक्लूजन हम ड्रॉ कर रहे हैं। क्या है, अगर यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, कपल लॉसेस जो है यहाँ पे टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर और ऑटो ट्रांसफार्मर है उसको हम कॉन्स्टेंट ले रहे हैं, ठीक है। कॉपर लॉसेस को हम कॉन्स्टेंट ले रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या चेंजेस कर रहे हैं अभी हम, अगर टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर को हम ऑटो ट्रांसफार्मर में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे एक चीज़ इंक्रीज होगा, दैट इज माई के वी ए रेटिंग। तो के वी ए रेटिंग मेरा यहाँ पे चेंज हो जाएगा, ठीक है। और क्या होगा, एफिशियंसी विल चेंजेस। सो दिस इज द कंक्लूजन, ओके। तो उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे कैसे हम ऑटो ट्रांसफार्मर में कॉपर को सेविंग कर सकते हैं इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।